सिंह जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे आज बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी के लिए यहां पर एक माहौल बनाया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज रायबरेली पहुंच रहे हैं और दिनेश प्रताप सिंह जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा है यहां पर आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या वजह है, आपकी पहचान कांग्रेस से थी, रायबरेली में आपको एक बहुत इज्जत मिली, कांग्रेस में आप इतने दिनों तक रहे, लेकिन ये अचानक से बदलाव, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हो क्या गया अचानक से? कांग्रेस ने रायबरेली में किसको इज्जत दी, ये बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस रायबरेली में इज्जत देती तो आज इस स्थिति में न होती कि रायबरेली जनपद में 60 बरस में कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता इस लायक पैदा नहीं हो सका कि वो कभी विधानसभा का टिकट कांग्रेस पार्टी से मांग ले। जब भी कांग्रेस पार्टी से विधानसभा के चुनाव लड़े हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोग दूसरे दलों की चौखट पर जाकर के उनके यहां से ला करके प्रत्याशी और उन्होंने चुनाव लड़ाए हैं, लेकिन कांग्रेस का मूल वर्कर रायबरेली में कभी इस लायक नहीं होने पाया कि वो एक अदद कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग सके। तो आप कह रहे हैं कि इतने दिनों तक कांग्रेस की उपेक्षा होती रही, लोग बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब बदलाव हो रहा है? नहीं नहीं, बदलाव बहुत पहले हो चुका है। बदलाव 50 वर्षों में लगातार बदलाव है यहाँ पर, कोई लिहाज था। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी वॉकओवर दे देती थी, भारतीय जनता पार्टी भी मानती थी कि हमको बड़े नेता हैं यहाँ, जरूरत नहीं पड़ती है, या जो भी परिस्थितियां रही हूँ उनके सामने, मैं उस पर नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन सच यही है कि कांग्रेस यहाँ नहीं है। अगर कांग्रेस होती तो जब गांधी परिवार चुनाव नहीं लड़ता तब यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी को सिर्फ 40-50 हजार वोट मिलते हैं। अगर कांग्रेस होती तो गांधी परिवार जिसको भी यहाँ के कार्यकर्ता को खड़ा कर दे वो एमपी बन जाए, तब तो मैं मान लूंगा कि यहाँ कांग्रेस है। जैसे लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जी एमपी हुए और पीएम बने, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का जो भी छोटा बड़ा कार्यकर्ता लखनऊ से लड़ा वो एमपी होके गया, लेकिन रायबरेली के किसी कार्यकर्ता को इस लायक नहीं बनने दिया कि वो ब्लॉक प्रमुख बन सके, एमपी तो बड़ी दूर की बात है। तो आपका ये कहना नितांत जायज नहीं है कि यहाँ पर कांग्रेस है। कांग्रेस नाम की यहाँ कोई चीज नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो रायबरेली जनपद वासियों के ऊपर रूल कर रही है, बस इतनी सी बात है। कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं, दल के लिए यहाँ कोई काम ही नहीं होता। यहाँ जो भी काम होता है वो सिर्फ एक परिवार के लिए होता है, एक खानदान के लिए होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए रायबरेली जनपद में 60 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ होता तो यहाँ का वर्कर भी विधायक बन सकता था, प्रमुख बन सकता था, एमपी बन सकता था, लेकिन कांग्रेस का एक वर्कर यहाँ नहीं जो ब्लॉक प्रमुख बन सका हो। धन्यवाद। आपको भी विधायक बनाया गया, क्या सोनिया जी की कोई बात हुई इस बारे में? कह सकता हूं, अगर ये कह दिया जाए कि दिनेश सिंह को विधायक कांग्रेस ने बनाया तो मैं उसी समय इस्तीफा दे दूंगा। अगर मुझे एमएलसी बनाने वाले लोगों में से केवल 10% प्रदान कांग्रेस लाकर खड़ा कर दे कि इन कांग्रेस को वोट दिया है तो मैं उस समय इस्तीफा दे दूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैं रायबरेली जनपद के पंचायत प्रतिनिधियों की बदौलत एमएलसी हूं, कांग्रेस की बदौलत नहीं। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूं तो रायबरेली के जनवासियों की बदौलत जिला पंचायत अध्यक्ष हूं। रायबरेली जनपद में अगर मैं राजनीतिक व्यक्ति बना तो रायबरेली जनपद के बुजुर्गों का आशीर्वाद से बना, ना कि कांग्रेस की बदौलत बना। कोई बात हुई क्या सोनिया जी की आपसे, उन्होंने कोई फोन किया आपको बात करने की कोशिश की? तो एक बड़ा बदलाव आज देखने को मिलेगा रायबरेली में, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो मान रहे हैं कि सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है यहाँ पर, आज जो बदलाव होने जा रहा है इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। कैमरामैन पंकज निगम के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, रायबरेली।